अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ट्रेटिनोइड 0.025% एंड इसको कैसे अप्लाई करना है, ये कहाँ से मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ट्रेटिनोल विद क्लिंदामेसीना है। क्लिंदामेसीना होती है एंटी बैक्टीरिया होता है, स्किन पर किसी भी तरह के कोई भी बैक्टीरिया हो ये उसको ख़त्म करती है। विद ट्रेटिनोइन है जो एंटी एजिंग स्किन के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। ट्रेटिनोल स्किन के ऊपर जितने भी एक तरह की डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं एक्नी के, वो ख़त्म करके मतलब स्किन को पील भी करे साथ साथ। तो ये बहुत एक तरह की मतलब कि मेरी तो फेवरेट क्रीम में से एक प्रोडक्ट है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी आपको नॉर्मली नहीं मिलेगी, किसी कॉस्मेटिक शॉप पर नहीं मिलेगी, प्रीमो देरोनी या सेफोरा से नहीं मिलेगी। अगर आप यूरोप में रहते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगी। आप अपने डॉक्टर से एक दफ़ा बात कर लें, या अगर आप किसी फार्मेसी वाले को जानते हैं तो आप उन मतलब वहाँ से मिलेगी। सो डायरेक्ट फार्मेसी से आप जाएंगे तो आपको नहीं मिलेंगी, आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बेटर है कि आप किसी डर्मास्थेटिक से लिखवा लें या डर्माटोलॉजी से लिखवा लें, या फिर आप ऑनलाइन इसको बाई कर सकते हैं। सेकेंडली, इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अभी क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है। इसको यूज़ करना है कि आपने डेली नाइट में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप डेली यूज़र हैं इसके, तो मतलब अगर आपकी स्किन पर किसी तरह का रिएक्शन नहीं आ रहा। सो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप स्टार्टिंग में इसको वीक में सिर्फ 3 दफ़ा रात को इस्तेमाल करें, मतलब कि मंडे लगाएं, ट्यूजडे स्किप करें, फिर वनडे लगा के वनडे इसको अप्लाई करें, मतलब एक दिन स्किप करें इसको। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएं, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई भी सेंसिटिव है तो हफ्ते में फिर 1 दफ़ा हल लगाएं। नंबर 2 पर, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप किसी भी तरह के केमिकल पील करवाई या लेज़र ट्रीटमेंट करवाया है, या फिर आप कोई इस तरह की मेडिसिन खा रही हैं जो स्किन को पील ऑफ कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्नी है, एक्नी का ब्रेकआउट हुआ है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर आपको ट्रेटिनोइन एक टैबलेट्स होती हैं जो हमें लेनी होती हैं, वो भी एक तरह की स्किन को पील करती हैं। अगर आप टैबलेट खा रही हैं स्किन की एक्नी के रिलेटेड, जो अगर आप टैबलेट खा रही हैं तो भी आपने ये वाली क्रीम नहीं इस्तेमाल करनी। अगर आप माइक्रो नीडलिंग करवा रही हैं तो भी 24-48 घंटे स्किप करके, या अपनी डर्मास्थेटिक से जिसने आपने किया माइक्रो नीडलिंग किया उससे पूछ के आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ओवरऑल, अगर आप प्रेगनेंट है तो आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो भी आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। ये ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है एजिंग स्किन के लिए, या फिर रिंकल्स, फाइन लाइन। अगर आप अपनी स्किन को मेंटेन रखना चाहती हैं, ग्लास स्किन देना चाहती हैं अपनी स्किन को, ग्लास स्किन चाहते हैं, तो यू कैन यूज़ दिस वन। सो अभी मैं बात करूँगी इसके टेक्सचर की। ज़्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं करूँगी क्योंकि मेरा दिल करता है इतनी लंबी वीडियो में को बंदा बोर हो। जल्दी जल्दी से इन्फॉर्मेशन दूँ एंड मुझे बहुत काम होते हैं। सो जस्ट वन ड्रॉप एंड दैट्स इट। आपने आइज़ के अराउंड इसको बिल्कुल भी लगाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी क्योंकि ये पील कर देती है। स्टार्टिंग में आपको 4-5 दिन नहीं पता लगेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपको फील होगा कि मेरी स्किन हल्की हल्की सी ऐसे लाइक ऊपर से ना लेयर रिमूव हो रही है। सो आपने इसको हल्के में नहीं लेना। दिन में सनब्लॉक लगा कर रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सनब्लॉक लगा कर रखना है। बिकॉज अगर आप रात को ये लगा रहे हैं रात को, फिर स्किन आपकी सुबह तक पील ऑफ हो जाएगी, हल्की सी लेयर रिमूव हो जाएगी। और दिन में जब आप सूरज के सामने जाएंगे जो सन एक्सपेयर होगा, यूवीए यूवीबी की जो रेज होती है वो स्किन को डैमेज कर देती है, क्योंकि नीचे से स्किन एक न्यू रेनोवर होकर आती है। सो आपने हमेशा कोशिश करनी कि आप सन ब्लॉक लगा कर रखें। अगर आप सन में काम करें, मतलब धूप में ज़्यादा तर आप काम करें या आपका आना जाना धूप में है, तो हर 2 घंटे बाद आपने दोबारा सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है 50 SPF। ओके, सो ये मैंने अप्लाई कर लिया है। फिर तीसरी बात, इसको जस्ट आपने नाइट में अप्लाई करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा आपको फील हो रहा है कि यार मेरी स्किन ड्राई हो रही है, पील ऑफ हो रही है, तो आपने इसके साथ कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना। मॉइस्चराइजर में आप स्नेल मूचिंग, ये दिस इज रियली गुड वन, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक स्नेल मूचिंग सीरम है, ये कोरियन प्रोडक्ट है, इट्स रियली गुड। अगर आपके पास नहीं है डोंट वरी, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सेरावे का मॉइस्चराइजर ले लेना। ये बॉडी मॉइस्चराइजर है, सामने कहते नहीं हम इसको फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, सेरावे का इस मॉइस्चराइजर, ये मॉइस्चराइजर बॉडी मॉइस्चराइजर है। इस सेरावे की इस ब्रांड में आपको फेस मॉइस्चराइजर भी मिलेगा। फिलहाल मेरे पास नहीं है, आई थिंक सो होगा, जस्ट अ मोमेंट, यस निकल आया मेरे तिजोरी बॉक्स में। तो ये सेरावे का मॉइस्चराइजर है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर ट्रेटिनोइन। सो यस, ये आई होप कि मैंने सारी इसकी डिटेल्स आपको बता दिया बहुत शॉर्ट टाइम में एंड बहुत स्पीड से मैंने बताई हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन, कुछ भी आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ओवरऑल, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना। अगर मजीद अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉल मुझसे अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर जाके आप वहाँ पर DM करें कि मुझे स्किन केयर अपॉइंटमेंट चाहिए। और अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय बाय।